नमस्कार, मोहन चुमखान दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शहर भर में शांतिपूर्वक हुआ 80.53% मतदान, वोटरों में रहा खासा उत्साह। अति संवेदनशील बूथों पर प्रत्याशियों ने दिखाई सामाजिक समरसता, शांतिपूर्वक मतदान। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने किया वार्ड नंबर 1 में मतदान, कहा मतदाताओं का रुझान भाजपा के पक्ष में। चर्चा में रहा वार्ड नंबर 1 का पूर्व पर्यवेक्षक से लेकर कलेक्टर तक ने किया निरीक्षण। अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह रहा। शहर के 98 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक 80.53% मतदान की खबर है। सुबह से मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई जो दोपहर तक जारी रही। दो घंटे के लिए मतदान केंद्रों पर मतदान दलों को थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन दोपहर बाद फिर मतदाताओं की आवाजाही शुरू हो गई। वार्ड नंबर 11 के लिए भट्टा कॉलोनी स्थित सामुदायिक केंद्र में पोलिंग बूथ बनाए गए थे। दोनों बूथों पर मतदान करने वालों की सुबह से कतारें लगी रहीं। यहां से भाजपा ने नगीनाबाई को प्रत्याशी बनाया है। नगीनाबाई के अलावा 3 और प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें कांग्रेस से रविकांत, निर्दलीय नारायण राम नायक और अशोक कुमार हैं। प्रारंभिक रुझानों के मुताबिक यह वो सीट है जो संभवतः सर्वाधिक वोटों के अंतर से नगीनाबाई को लगातार 5वीं बार पार्षद बनाने का रिकॉर्ड बनाने में सहयोग करे। जो वोट डाल चुके हैं उनको बाहर निकालिए। इनसे पूछो ये वोट डाल चुके हैं तो रवाना करो इनको। नहीं, वो मतदान किए हुए हैं, उनको कौन वो बाहर जाकर के जाना। उन्होंने वोट डाल दिया, उनको बाहर किए वार्ड नंबर 39 भी भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। यहां से पार्टी ने सुरेश धमीजा को प्रत्याशी बनाया है। धमीजा 2 बार चुनाव हार चुके हैं, वहीं उनका मुकाबला निर्दलीय गौरव जैन से है। गौरव जैन ने पिछला चुनाव वार्ड नंबर 38 से जीता था। इस बार वार्ड नंबर 38 ओबीसी महिला के लिए रिजर्व हो गया, इसलिए गौरव जैन ने वार्ड नंबर 39 से भाग्य आजमाया है। हालांकि भाजपा इस सीट को फाइनल मान रही है, लेकिन सबकी नजर टिकी है वार्ड के साइलेंट वोटरों पर। गौरव जैन समर्थकों का उत्साह उसी पर निर्भर है। नेशनल पब्लिक स्कूल स्थित वार्ड नंबर 39 के बूथों पर भी मतदान को लेकर रुझान देखा गया, खासकर युवाओं में। मैं वार्ड नंबर 39 की हूँ। मैं पहले बार वोट देने आई हूँ। मुझे वोट देने की खुशी है कि मेरा पहला वोट है। हमें उम्मीद है कि जो भी कोई जीते हमारे वार्ड की अच्छी मतलब देखभाल करे, हमारी समस्याओं को सुने और हमारी सहायता करे। जो भी कोई जीते हमको तो यही उम्मीद है कि हमारे भी कॉलोनी का अच्छा निर्माण हो और हमारी कमियों को जो है हमारे भी वार्ड में उनकी सहायता करे। उम्मीद है कि जिसको हम वोट दे वही जीते। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है कि जिसको हम वोट दे भी वही जीते। वार्ड नंबर 5 पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की यह सीट तिकोने संघर्ष में फंसी हुई है। अब तक यह सीट भाजपा के लिए आसान मानी जाती रही, लेकिन इस बार भाजपा की आपसी कलह और कांग्रेस प्रत्याशी की सक्रियता से राजनीतिक उलटफेर की संभावना बनी हुई है। खास बात है कि भाजपा ने निवर्तमान पार्षद श्रीमती लक्ष्मी देवी के पति सौरभ शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। शर्मा पहले भी पार्षद रह चुके हैं। पूर्व पार्षद बलराज सिंह दानेवालिया ने राजेश मदान को निर्दलीय प्रत्याशी बनाकर
सौरभ शर्मा के सामने चुनौती पैदा की तो पूर्व पार्षद और भाजपा कार्यकर्ता राजेश गुप्ता ने भी मतदान को समर्थन देकर भाजपा को परेशानी में डालने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने गुरदीप चहल को टिकट देकर बड़ा गेम खेला। चहल वर्षों से राजनीति में हैं। यही वजह है कि भाजपा समर्थित वार्ड नंबर 5 में कांग्रेस मुकाबले में आ गई। वार्ड में सुबह से मतदाताओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। दोपहर तक 50% मतदान हो चुका था। वार्ड नंबर 3 और 4 के मतदान केंद्र थे राजकीय माध्यमिक विद्यालय डबरवाला में। वार्ड नंबर 3 से भाजपा प्रत्याशी परविंद्र कौर, कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र कौर बावरी और निर्दलीय प्रत्याशी मनोज बरसीवाल प्रमुख रूप से मैदान में हैं। बूथों पर मतदाताओं का खासा उत्साह देखा गया। माना जा रहा है कि इस सीट पर तिकोना संघर्ष है। वहीं वार्ड नंबर 4 में भाजपा प्रत्याशी अब्दुल, कांग्रेस प्रत्याशी अरशद सहित कुछ निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी जंग को रोचक बना रहे हैं। महिला मतदाताओं को बुरके में देखा गया, लेकिन वे उत्साह से लबरेज नजर आ रही थी। वार्ड नंबर 38 में भाजपा की परमजीत कौर सोनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। कैनाल कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर मतदाताओं की आवाजाही लगी रही। वहां भी बुजुर्ग महिलाओं को कुर्सी पर बिठाकर लाते देखा गया। वार्ड नंबर 40 स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। वहीं जो वार्ड नंबर 42 में मतदाताओं से प्रत्याशियों के बारे में पूछा गया कि उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की। उनका कहना था कि प्रत्याशियों के नाम से क्या मतलब, वो तो सिर्फ वोट देने आए हैं। तो खरवाड़ में कौन कौन खड़े हुए हैं चुनाव में? मैंने ठाकुर चुनाव में नाम नाम धन दिया ना, कौन कौन वार्ड में? ए टेणी और भी है नहीं है कोई नहीं अपने बड़े मत नौ को आवे नहीं भाई और थारा नाम कौन भी वार्ड है नौ बताओ क्या खड़ा कौन कौन होया गए अपने वार्ड टेणी वार्ड में ब्याई वार्ड टेणी चार खड़ा होया मंत ठाकुर एक निरंजन एक टेणिया एक एक अपने भर्ती चालू हो गई की पुरानी जड़ी पाई है कीमत कड़ी भर्ती गवर्नमेंट पाई जाती कैसे पार्षद को दोगे जो काम कराएगा? कैसा
एक तो है कोई भी हमारा घर किसा नहीं है नहीं लोकतांत्रिक आशा मजबूत हो रही है। शहर का माहौल सदा की तरह शांति और सद्भाव वाला रहा। खास बात है कि नगर परिषद चुनाव में प्रशासन ने जिन वार्डों में अति संवेदनशील बूथ बनाए वहां पर प्रत्याशियों ने सारी आशंकाएं धूमिल कर दी। वे बूथों पर साथ साथ विजय निशान प्रदर्शित करते नजर आए। अब आइए जरा हनुमानगढ़ टाउन के प्रमुख वार्डों का जायजा लेते हैं, लेकिन पहले उपसभापति के वार्ड चलते हैं, यानी वार्ड नंबर 14 का मतदान केंद्र। के चिल्ड्रन अकेडमी स्थित मतदान केंद्र पर भाजपा प्रत्याशी कालूराम शर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी नंदू गुर्जर और निर्दलीय प्रत्याशी भगवती राठी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। खास बात है इस वार्ड में भाजपा की अंदरूनी राजनीति गजब की रही। अधिकांश भाजपा कार्यकर्ता खासकर जल संसाधन मंत्री के सिपहसालार भी भाजपा को टिकट वापस भेजने की जुगत में लगे रहे। ऐसे में सबकी नजर टिकी है 25 तारीख पर जब मशीन फैसला सुनाएगी। टाउन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट में भी जमकर मतदान हुआ। यहां पर वार्ड नंबर 35 और 36 है। वार्ड नंबर 35 से कांग्रेस प्रत्याशी बहरू ठाकुर और भाजपा प्रत्याशी कालूराम मंगवाना के बीच मुकाबला माना जा रहा है। वार्ड नंबर 21 में भाजपा प्रत्याशी राजकुमार हिसारिया और निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा उर्फ गोनू नगर परिषद पुराने कार्यालय के पास कुर्सी लगाकर एक साथ बैठे नजर आए। उन्होंने कहा कि चुनाव में आपसे रिश्ते तो नहीं टूटेंगे। वार्ड नंबर 22 का मतदान केंद्र नेहरू चिल्ड्रन स्कूल में है। इस मतदान केंद्र को अति संवेदनशील बूथ घोषित किया गया। वहीं भाजपा प्रत्याशी राजेश पवार, कांग्रेस प्रत्याशी संतोष रानी और निर्दलीय अमन वाल्मीकि ने एक साथ विजयश्री का निशान बनाकर यह संदेश देने का प्रयास किया कि वे भले एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं, लेकिन आपस में कोई विरोध नहीं। वार्ड नंबर 24, 25 और 37 में भी मतदान को लेकर खासा रुझान देखा गया। वार्ड नंबर 24 में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज सैनी और भाजपा प्रत्याशी चिरंजी लाल सोनी और निर्दलीय सुरेंद्र बेनीवाल के बीच मुकाबला है। नेहरू पीजी कॉलेज में मतदान को लेकर खासा रुझान देखा गया। वार्ड नंबर 25 में भाजपा प्रत्याशी प्रेम बंसल और कांग्रेस प्रत्याशी अनिल खिचर के बीच कांटे का मुकाबला है। वहीं वार्ड नंबर 37 में कांग्रेस प्रत्याशी गौतम स्वामी और भाजपा प्रत्याशी राजेश कड़वासरा के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने वार्ड नंबर 1 में मतदान किया। अपने मित्र डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा के साथ पहुंचे मंत्री ने मतदान किया और फिर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हनुमानगढ़ में भाजपा का वोट बनने के संकेत हैं। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने अपने गृह वार्ड में मतदान किया। वे सरस्वती गर्ल्स कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंचे। कुछ दिनों से सेहत नासाज होने के बावजूद वे न सिर्फ चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे बल्कि अपने मित्र डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा के साथ मतदान करने पहुंचे। मतदान के बाद पत्रकारों से बातचीत में जल संसाधन मंत्री ने शहर में मतदान को लेकर लोगों के उत्साह को सराहा। उन्होंने कहा कि अधिकाधिक मतदान से लोकतंत्र मजबूत होगा। मतदान बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। हनुमानगढ़ का मतदाता बहुत जागरूक है और मेरा सभी मतदाताओं से यही निवेदन रहेगा कि
लोकतंत्र के इसके इस पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर के और इस यज्ञ में अपनी आहुति दें। यह पूछे जाने पर कि क्या भाजपा हनुमानगढ़ में बोर्ड बनाने में कामयाब होगी, डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि वैसे तो यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरह मतदाताओं का रुझान नजर आया है, लगता है भाजपा का बोर्ड बनाने में परेशानी नहीं होगी, बल्कि भाजपा के पक्ष में मतदान हो रहा है। देखिए, तमाम बातें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जैसे लोगों में उत्साह है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना लगभग तय लग रहा है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। यहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्रीराम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। मरुधारा साहित्य परिषद हनुमानगढ़ और बोधि प्रकाशन जयपुर की ओर से 23 से 26 नवंबर तक रावसर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस महाविद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में मरुधारा साहित्य प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन 23 नवंबर को विधायक द्रौपदी मेघवाल और जिला कलेक्टर पीसी किशन करेंगे। यूं तो नगर परिषद क्षेत्र में 98 में से 40 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया था, लेकिन सर्वाधिक नजर में रहा वार्ड नंबर 1। आलम यह था कि प्रशासन को सबसे अधिक अनहोनी की आशंका इसी मतदान केंद्र को लेकर थी, लिहाजा कलेक्टर और ऑब्जर्वर तक निरीक्षण के लिए पहुंचे। बात किसी भी क्षेत्र की हो, लेकिन शुरुआत हमेशा एक से होती है। हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र का वार्ड नंबर 1 भी कई मायने में खास रहा। दरअसल यहाँ पर सबकी नजर थी, न सिर्फ शहर बल्कि जिले भर के लोगों की निगाहें वार्ड नंबर 1 पर टिकी हुई थी। प्रशासन का भी यही हाल था। यही वजह है कि ऑब्जर्वर से लेकर कलेक्टर तक वार्ड नंबर 1 के मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। यह वार्ड जल संसाधन मंत्री डॉक्टर राम प्रताप का है। यहाँ से भाजपा के जगदीश रिणवा और निर्दलीय गणेश बंसल के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। न सिर्फ गणेश बंसल के समर्थक अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, बल्कि भाजपा प्रत्याशी जगदीश रिणवा के समर्थक भी परिणाम कुछ भी हो सकता है जैसी बातें करते सुनाई देते हैं। वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस ने शर्मिला जांगू को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कुल 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। जल संसाधन मंत्री की पत्नी श्रीमती तारा देवी और पुत्र अमित सहू भी वार्ड नंबर 1 के मतदान केंद्र पर अधिक ध्यान देते नजर आए। वहीं उनके खास सिपाह सालार नरेंद्र खिलेरी और ओम सोनी भी सरस्वती गर्ल्स कॉलेज के इर्द गिर्द नजर आए। नरेंद्र खिलेरी तो सेवा करते भी देखे गए। वे बुजुर्गों को उठाकर मतदान केंद्र तक लाते और मतदान के बाद फिर उन्हें बाहर छोड़कर आते। सरस्वती गर्ल्स कॉलेज स्थित वार्ड नंबर 1 के मतदान केंद्र पर कई रोचक स्थिति देखने को मिली। परस्पर विरोधी गणेश बंसल और अमित सहू कई बार आमने सामने हुए। मीठी तकरार होती और फिर दोनों अलग हो जाते। तकरार के बीच दोनों मुस्कुराते जरूर। सियासत की समझ रखने वाले इन मुस्कुराहट में राजनीति के नए पैंतरे को तलाशने लगते। वार्ड नंबर 1 के इस केंद्र पर सुबह से भीड़ लगी। महिला और पुरुष मतदाताओं को अलग अलग कतारों में देखा गया। उनमें मतदान को लेकर खासा उत्साह भी नजर आया। कुछ भी हो, सबकी निगाहें अब भी वार्ड नंबर 1 के परिणाम पर टिकी हैं। बड़ा कारण यही है कि यह कैबिनेट मंत्री का अपना वार्ड है। यही वजह है कि मंत्री और उनके सिपाह सलार
भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाते रहे। देखना यह है कि इस वार्ड की जनता क्या फैसला देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्काई चैनल, हनुमानगढ़। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार थोरी ने शांतिपूर्वक मतदान संपन्न होने पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि शहर के मतदाताओं ने संजीदगी का परिचय दिया है। नगर परिषद का आज का जो निर्वाचन का दिन था बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। समस्त 98 जो पोलिंग स्टेशन हमने स्थापित किए हैं वहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाब्ता मौजूद है और किसी प्रकार की ऐसी अप्रिय घटना की अब तक तो कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान पुलिस के जवानों को जिन्होंने बेहतरीन व्यवस्थाएँ बनाई है। कुछ स्थानों पर हमें फर्जी वोटर्स की सूचना मिली थी जिसमें हमारे जवानों ने बड़ी मुस्तैदी से कार्रवाई करके उनको वहाँ से हटाया और जो हमारी इलेक्शन की टीम लगी हुई है पूरे PROs सारी पोलिंग ऑफिसर्स और जो एजेंट्स वगैरह हैं सब शांतिपूर्वक काम चल रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की हमारी जो व्यवस्थाएं थी हमें बड़ी खुशी है कि हम उस अपने उद्देश्य की तरफ काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। 3 बजे तक लगभग 65% मतदान हो चुका था। अभी 5 बजे के फिगर्स आधे घंटे पश्चात हमें प्राप्त होंगे और राज्य निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुसार फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जो हमारी व्यवस्थाएं थी वो पूर्णतया सही साबित हो रही हैं। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर विवाद की स्थिति है। अखिल भारतीय सफाई कांग्रेस यूनियन के नेतृत्व में धरना चल रहा है। यूनियन सदस्यों का कहना है कि जब तक सफाई कर्मियों की भर्ती नहीं की जाती धरना जारी रहेगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।